साडा विआह 1945 होया और मैं उदों मेरे ख्याल 17 साल का सी 14 साल 14 साल। तुसीं इमेजिन करो जिहदी बरी गई सी 96 रुपये की बरी से बनी और कहते भी बहुत वधिया बरी। आजकल लोग पहले प्यार करते फिर शादी करते, असीं पहले शादी करके मगरों प्यार करते। सर तुहानूं दस्सिया सी कुछ भी कौन आ कुड़ी कोई देखिया सी तुसीं? नहीं रब करो जी मैं पढ़न ते साडे ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਢੂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕ ਲੋਕ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਫੜ ਕੇ 76 ਫੇਰੇ ਤੇ ਸਹੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸੀ ਹੈ ਹੀ ਨਾ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਡੰਡੇ ਮੈਂ ਖਾਣੇ, ਮੈਂ ਕਿ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖੂਗਾ। ਉਹਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਦ ਡੰਡਾ ਪੈਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਡੰਡੇ ਖਾ ਲੈਣੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਈ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸੈਂਟ ਖੋਲਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ? ਫਿਰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੇ ਕਾਦਾ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲਿਆਈਆਂ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਧਰੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ मैं नहीं सी पहला लाउंदी, कोई भी नहीं सी लाउंदा, कोई भी नहीं। वो एक कुड़ियां सी 2-3 मेरियां सहेलियां, वो जद कपड़े देखण आईयां सदा दिंदे हुंदे सी पिंड च ते कुड़ी मकलावे चली आ तां आके कपड़े देख जाओ। फिर बुढ़ियां कुड़ियां सारियां आउंदियां, सारियां ही आउंदियां हुंदियां सी। सॉरी तुहानूं इदां दा नहीं मिलना मौका। मकलावा लैन जाना पिंडों गड्डी ले बलदा वाली ते चाचा मेरा नाल सी, ये नूर महंत कोल पिंड सी उदों सानूं मिले। उत्तों गड्डी आई तो मिट्टी बड़ी पै गई सारे कपड़े गड्डी 2 दिन से हो जा मिट्टी पै गई तो असीं एक खूब चलता सी ते चाचा कहता भी आपां इत्थे मूँह धो लैने। मैं देखिया मैं पग लाई तो पग मिट्टी नाल लिबड़ी बुरी हालत, मैं चाके पग धो दी। अच्छा ਉਹਦਾ रंग उतर गया। और कपड़ा फिर पग सकाई तो बनी अधीड़ी की जाई, चिट्टी पग रह के मुकाबला लैन चले गए, मुगलावा लैन चले गए। असीं किहड़े लड़दे नहीं झगड़दे नहीं, डिफरेंट हुंदा पर ना इन्हें कदे मैनू बनाया ना मैनू कदे बनाया, अपने आप ही बन जाईदा। ये तुसीं सुणिआ ना कहंदे ने कि माँ बोली क्यों कहने आ? हाँ जी, वो कहंदे प्यो तो बोलदा ही नहीं इसे करके माँ बोली कहंदे। पर बेटा हुण पुछिआ जाए ना सारियां गल्लां करके आखरी वे हुण मैनू ओहदे बिना घाटा बहुत पै। बी सोशल वेख रहे हो तुसी, मैं रुपिंदर संधू, तुहानूं सारिआं नूं सत श्री अकाल। प्रोग्राम मुहब्बतनामा दा एक नवां एपीसोड लैके हाजिर हाँ। अज जिस जोड़े नूं तुहाडे रूबरू करवाउण जा रहे हैं उन्हां दे विआह नूं 76 वरियां दा वक्त गुजर चुक्या है। 76 वरियां दा वक्त एक पौणी सदी हुंदा है, पर यह पौणी सदी एक दूजे दे साथ दा सफ़र ते बहुत ही चंगे जां औखे वेले नूं एक दूजे नाल सहज ते संजीदगी नाल जिउण दा सफ़र है। उन्हां दा नाम है सरदारा सिंह जौल ते महेंद्र कौर जौल जी। उन्हां नाल तुहाडी मुलाकात इसलिए भी खास है क्योंकि बंटवारे तो पहलां उन्हां दा विआह हो चुक्या सी ते इस नज़रिए नाल उन्हां ने इस सदी दियां बहुत सारियां अहम घटनावां नूं भी वेखिआ है। उन्हां दा स्वागत करदे हां। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜਾਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਲਹਿਜ਼ਾ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਸ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਕਈ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ। सब तो वड्डा फैक्टर है जेनेटिक फैक्टर। इन्हां दी जिहड़ी फैमिली आ भी लॉन्ग लिवड है ते मेरी फैमिली भी लॉन्ग लिवड है। मेरे फादर 110 साल की एज दे विच डेथ हुई उन्होंने, पर वो भी वॉलंटियरली छड्ड के मैं नहीं होर जीना, सो उन्होंने कोशिश करके सब कुछ खाना पीना छड्ड के फिर उन्होंने जानी इस तरह उन्होंने मौत को इनवाइट ही किया। अदरवाइज हाले मैंने तो याद है पर 10 साल होर भी जी लेते। सो ये है बी जेनेटिक फैक्टर बहुत मेजर है। इन्हों की फैमिली भी लॉन्ग लिवड है, इन्होंने ब्रदर इन्होंने जो भी मेरा बड़े ब्रदर की हुणे ही थोड़ी देर भी डेथ हुई है तो वो मेरे 9 साल बड़े ही थे। सो एक जेनेटिक फैक्टर है। दूजा हैगा बई थोड़ी रहना सहना किदा है। साडी है जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली च लाइफ लंबी होंदी है। उसका रीजन है कि जे कोई वक्त पवे तो जॉइंट फैमिली जिहड़ी आ उहनूं चल लैंदी आ, उहदा बेस बड़ा वाइड हुंदा। जिहड़ी न्यूक्लियस फैमिली है सिंगल उहनूं एक माड़ा जिहा धक्का लगे तो डिग पैंदी है। मुश्किलां होंदियां, ऐसी गल नहीं है, जॉइंट फैमिली दे विच मुश्किलां बहुत होंदियां, ऐसी गल नहीं, पर उन्हां मुश्किलां नूं झलना पैंदा। मैं तुहानूं मिसाल वजों दसदा कि मैं साडा विआह 1945 च होया सी और मैं उदों मेरे ख्याल 17 साल दा सी, 14 साल दा, 14 साल छोटे दा विआह हो गया। लेकिन रहना शुरू इस बात कीता 1949 दे विच, हांजी, क्योंकि मकलावा विआह छोटे हो जाते, लेकिन फिर जब टाइम आता तो उस वे मुकलावा आ जाता है। मैं ब्याह करा के 9वीं च दाखिल होया सी। हुण इन्ने तक मैं पढ़ गया, जिथों तक मैं पहुँच गया, इहदा बहुता असली कारण तो जॉइंट फैमिली है ना। जॉइंट फैमिली दे विच फिकर नहीं हुंदे, दुख तकलीफां हुंदियां, लड़ाई झगड़ी भी हुंदे आ, डिफरेंस भी हुंदे आ, सब कुछ हुंदा, लेकिन वो फैमिली डिगदी नहीं। जो डिगदी नहीं तो वो बंदे का जी अपनी लाइफ है वो सेव करके हैप्पी निकल जाती है। एक दूसरा फैक्ट है। तीजा परमात्मा के हत्थ च भाई। चौथा हैगा कि दुख दर्द होंदियां भी तुसी डिपेंड करदा तुसी किवें लैंदे हो, समझे ना। देखो साडा सन-इन-लॉ 52 साल की उम्र चला गया, डाटर-इन-लॉ 58 साल की उम्र चली गई, ये 90 साल जा रहा, मैं 94 साल जा रहा। ये दुख कोई छोटा तो नहीं, लेकिन परमात्मा ने सानू ये शक्ति बख्शी हुई है कि असीं उहनूं उहदा जिहड़ा भाणा मन के तुर जाने। सो गल है भी ये बहुत सारे फैक्टर इकट्ठे हुंदे आ। दूजी आ भी ये तो एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, लेकिन मैं तो एक्सरसाइज भी करदा। मेरा रूटीन जिहड़ा है वो 4 बजे 9 बजे उठन दा है। 4 बजे उठ के मैं मतलब मूँह मां धो के जपजी साहब ला देना, नाल एक्सरसाइज कर लैनी है, फिर नहा लेना, आसा दी बाल ला देनी है। उस बाद नहा धो के मैं फिर अपना पाठ कर लेना। जप साहब का पाठ मैं आप करदा, अपनी जबानी याद है मैनूं। फिर ब्रेकफास्ट खा के मैं 7 बजे सौ जाना, नाल मेरा सुखमनी साहब का पाठ लगा हुंदा। थोड़ी जिहड़ी है किस्म की लिव लगी रहिंदी है, दूजे पासे पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, कोई पुठी सीधी गल नहीं है, तो ये भी आराम नाल सुते रहिंदे, मैं भी अपना कढ़ लेना। दिन चढ़े फिर सी अपना अपने काम ते लग जाने हैं। सो साडी रूटीन एक ऐसी बनी हुई है कि जिहदे विच सानू मतलब वरीज नहीं आउंदियां, दुख आउंदे लेकिन वरी नहीं आउंदी। ये रीज़न है कि सर जदों तुहाडा विआह होया तो तुसीं पाकिस्तान रहिंदे सी, है ना, ते तुसीं जिवें तुसीं बाहर सानूं दस्सिया सी भी मैं जब 16-17 साल दे सीगे, तुसीं मैम 13-14 साल दे सी, 4 साल छोटे मैं, हाँ जी। तो उस वक्त तुहाडा रिश्ता किवें होया? देखो उस वेले जिहड़े अरेंज्ड मैरिज हुंदियां सीगियां, कोई लव मैरिज नहीं हुंदियां। हाँ जी, अजकल लोग लव अपना लव पहलां प्यार करदे फिर शादी करदे, असीं पहलां शादी करके मगरों प्यार करदे, इन्ना फर्क है। सो इन्हां दे फादर और मेरे फादर जिहड़े सीगे, इन्हां दोवां ने कामन शौक हुंदा सी बलदां दा, ये भी वाकफ सी। दूजी इन्हां दे पिंड एक बीबी सी जिहड़ी साडे पिंड ब्याही होई सी, वो इन्हां दी भूआ सी, कहंदे सी उहनूं मैं उन्होंने मासी कहता सी। तो जब मैं पैदा होया तो मेरी माँ तो मेरे गाना उन्हें बन दिता, जब ये पैदा हुए तो ये उन्हें गाना बनता। अच्छा जी। तो ये मेरिया रही उन्हें साडा रिश्ता करवाता, उन्होंने छोटे छोटे होंदिया का ही वो चली गया। ये सानू एक तो साढ़े बापू बापू का लव सी, दूजा साड़ी मैरिज जी है इस तरह हो गई उस वे। हाँ हाँ जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਮ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਸਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੁੰਡਾ? ਪਰ ਗਏ ਨਾ ਆਏ ਨਾ, ਭੂਆ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਲਾਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪੜੋਸੀਆਂ ਚੋਂ ਭੂਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਧਰਨ ਦਾ ਭਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਧਰਨ ਦੀ ਭੈਣ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਦੂਰ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹ ਜਰਮੇ ਤੋਂ ਗਾਨਾ ਬੰਨਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਭੈਣ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੰਗੂ ਇਹਨੂੰ। ਜਦ ਕਦੇ 4-5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਹੋਈ ਇੱਧਰ तो हूँ मेरे गाना बनता, कहती कुड़ी मेरी रही। फिर कुछ दिन जब मैं 4-5 साल की हो गई फिर इन्हां दे फादर रिश्ता मंगन लग पे। अच्छा जी। आते जाते सी ना उन्हां दे घर, इन्हां दे फादर मेरी भूआ दे घर। मैं भी उत्थे खेलन गई हुंदी जी, बोबो बोबो हुंदी जी, उदों कोई चले जाना बैठ रहना। उह देखता लिया सी, उह फिर कहण लगे भी तू रिश्ता करा दे। फिर सारे नहीं करते कत्तर, फिर मेरे फादर भी कह पे भी सानू रिश्ता दे दे। चलो अरेंज मैरिज मैं चलो बस। उतो फिर उन्होंने बहुता ज़्यादा उन्होंने करिया। फिर मैं जब ब्याह सगन कर लिया 4-5 साल की होंगी, 1 रुपया तो 7 छुआरे। वो मैनू पता ना लगे भी की करते हैं। मैं भी इधर उधर आले दुआले देखती फिर कदे मंजे फड़ के कदे ऐनू देखा है की करन लगे की कर। रुपया घलना अगे कहते होंगे सी सगन पाना। तो चल चले गए तो मैं माड़ा माड़ा याद आ भी उदों सगन पाया। फिर जब ब्याह धरिया तो चलो उदों तो फिर पता सी थोड़ी जी सुरत सी 13 साल की। फिर कह लगे ब्याह कर दो। इन्हां दे फादर नूं शौक सी, चाचे सी चाची सी, वो कहते भी असी कदे किसी का देन नहीं दिता लोगों ने। असी खाने आ ब्याह शादियां भी साढ़े तो कोई बच्चा ब्याह ही नहीं, असी कदे भी असी चलो छोटा ही है तो असी ब्याह कर दईए ते चलो लोगों का जिहड़ा आड़ आ खाण पीण दा वो लथ जाऊगा। भी कुड़ी जद मर्जी आवे 18 साल तई आवे जे 20 साल तई आवे जक्कर लूंगे उदों घल दिओ। फिर इस करके फिर उन्होंने ब्याह कर लिया। तो फिर मैनू लै गए ब्याह के गई, 2 रातां रही मैं नाल ही। अगे ना नाल झीरी नैन जां झीरी हुंदी सी, एक मेरी भैन मेरे तो वड्डी ओहदा मेरे नाल ही होए, उसी पिंड च हो गई। एक ओहना गई, एक मेरे नाल आई, एक बचोलण आई। फिर इदां कुड़ी दे नाल घलदे सी। जे रहना नसी ना ब्याह तो आ जाना सी, 2 रातां रखणियां ते फिर ओह झीरी नाल ही लैके आउणा नाल लै आंदी। बस फिर सानू चाह ये सी भी ब्याह हुंदा लड्डू खावांगे। ਹੋਰ तो पता ही ब्याह की चीज़ होंगी है, यही होंगे भी चल लड्डू बन गए लड्डू खावे। तो बस इदा कर दिया जी, अनपोल ही ब्याह हो गया जी। सर तुहानू दस्सिया सी कुछ भी कौन आ कुड़ी? कोई देखिया सी तुसीं मैनू जां दिखाया? करो जी मैं पढ़न ते साडे पिंड च ही आउंदी सी। सांडू सी ना वो लोक के दे दी तो अगले ने फड़ लिया, फड़की चित्र फिर साढ़े पिंड ना बंगले स्कूल से ये उत्थे पढ़न आउंदे सी। हाँ जी। ते साडा खूह सी उधर नूं, इन्हां दे राह च पैदले मुंडे सारे आउंदे सी अपने पिंडों। कुछ एक होर पिंड सी उत्थे दे असीं जब जाना खूह नूं रोटी राटी लैके भरावां दी जां किदां असीं भी झाड़ियां पिछों लुकदियां ने जाना भी किते वो छुट्टी हो गई होई तो इधर ना कोई होवे, मुंडा कोई होवे कोई हो ना होवे। कई बार मुंडियां ने झाड़ियां च लुक के बैठे होना, खरे रब जाने देखण मारे असी होर पासे दी निकल जाना। 2-3 जणियां जांदियां हुंदियां सी कुड़ियां। हां जी। ते इदां अगे हुंदा सीगा जिद्दां जी देखण दी इजाज़त नहीं सी। फिर साडे खेतां दे विच दी डंडी सी जित्थों इह लंघदे सी। ते जेहड़ा इन्हां दा मास्टर सी करूप सिंह वो मेरे पिंड दा सी। वो ओहदी घर वाली मेरी सहेली सी, उदां छोटी मैं चाहे च वड्डा, ओहदा मुंडा भी तकड़ा सी एडा सारा। मैं ओहदे ही जाना ते वो दवा दू भी दिंदे सी हेमोपैथी दी। ते वो मैं कई बार वो तो दवा लै आनी उन्होंने दियों। उन्होंने कई बार गल कर देनी जब मैं थोड़ी वड्डी हो गई, उन्हें कहना ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਬੀਬਾ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੜਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਦਾਂ ਦੱਸਦੇ। ਫਿਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਦੱਸੀ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਕੱਠੇ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਆ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਡੈਸਕ ਹੈ ਨਾ ਇੱਦਾਂ, ਉਹ ਮਨੀਮਾ ਵਾਲੇ ਡੈਸਕ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਟਾਟ ਵਿਛਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਦੀਵਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦਾ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦ। ਸਾਡਾ ਮਾਸਟਰ ਸੀ ਇੱਕ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਦਾ ਫਰਾਲਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਂ ਕਿਤਾਬ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ। ਉਹ ਕੁੱਟ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਡੰਡੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਬੀਬਾ ਸਾਡੇ ਪਜਾਮੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੱਚੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਫ ਸੀ। ਪਜਾਮਾ ਤਾਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਕੰਨ ਫੜਾ ਕੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਡੰਡੇ ਮੈਂ ਖਾਣੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖੂੰਗਾ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਜਦ ਡੰਡਾ ਪੈਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਡੰਡੇ ਖਾ ਲੈਣੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 8-9 ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਕੱਠੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ ਹੈ ਜੀ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਹੋ ਸਰ ਮੈਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਤ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਗਈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਬਰਾਤ? ਬਰਾਤ ਨਾਲ 100-150 ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਡ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਦ ਬਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਬੰਦੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ 3 ਬੰਦੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਗਿਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੰਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਚੱਕੀਦਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਨੇ 17-50 ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ 500 ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪਿੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਘਰੋਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ। 6-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫਲਾਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ, ਮੰਜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਿਸਤਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਸੋ ਕਰ ਹਲਵਾਈ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਸਹੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੰਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣੇ, ਬਿਸਤਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖਣੇ, ਰਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣਾ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਰਾਤ। ਇੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੌੜਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ 2 ਬਲਦ ਹੁੰਦੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਦੌੜਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਨੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੜਾਹ ਚੰਗਾ ਬਲਦ, ਚੰਗਾ ਬਲਦ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਦੇਸੀ ਘੇ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੀਪਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾਇਆ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦੌੜਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਉਹਨੇ ਪੈਣਾ ਨਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਓਕੇਜਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਨ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਬਰੀ ਗਈ ਸੀ 96 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰੀ ਸਿਰ ਬਣੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਓਨਲੀ 96 ਜਿਹੜਾ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਲਈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਰੀ, ਸਮਝੇ ਨਾ। ਇਹ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਅ ਬੜੇ ਸਸਤੇ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁਨਿਆਰੇ, ਗਹਿਣੇ ਬਟਾ ਲਓ, ਸੋਨਾ ਵੇਚ ਲਓ। ਜਾਣੀ ਚਾਂਦੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਵੀ ਮੁੱਦੀ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਕੋਲੇ ਪਾ ਲੈਣੇ, ਉਹ 'ਚ ਪਗਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਲਾਖ ਉਹ ਕੱਢ ਜਾਣੀ, ਚਾਂਦੀ ਕੱਢ ਜਾਣੀ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਘਰੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਤੋਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਛਾਨਪੂਰਾ ਵੇਚ ਲਓ, ਕਬਾੜ ਵੇਚ ਲਓ, 20 ਰੁਪਏ ਤੋਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 20 ਰੁਪਏ ਤੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਸੋਨਾ ਵੇਚ ਲਓ, ਚਾਂਦੀ ਵੇਚ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨੇਰੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਹਿ ਬੂ ਜਾਣਾ ਪੱਧਰੇ ਸੜਕ 'ਚ। तो वह चोरा ने आना रात में, तो मेरे फादर ने खंघण लग पाना। उन्होंने कहिंदे हार के एक दिन बाबा तू ना खंघिया ना कर, असी तेरे बोलदा नूं कुछ नहीं कहिंदे, तेरे बोलद नहीं लैण आउंगे, तू जिद्दां मर्जी सौंप अखां मीट के असी गाहां पछाहां जावांगे, तू सानूं भी खंघिया ना कर देख के भी होर लोग भी जाग पैंदे। इन्ने बोलद तकड़े सी, जानी कड़ाहे विच पिन्नियां चारदे सी। गल है भी उदों लाइफ बड़ी वधिया सी, सिंपल सी, लेकिन कोई डर नहीं सी। सिर्फ दो चीज़ां डर हुंदा उस वेले, एक चोर दा एक सप दा, ते तीजा कोई डर नहीं सी उस लाइफ दे विच। कुड़ियां ने खेलदियां ने जिन्ने मर्जी मुंडे आ, सारा दिन तकाला नूं खेलना, रात नूं रोटी तो पहलां बाहर सड़कां 'च लुकण मचाई भी खेलना, सारा कुछ खेलना। किसी के घर दो रात रहो, तीन रहो, पड़ोसियां दे कोई रोकदा ना सी, ना घर दा ना डर सी भी इन्हां दे घर मुंडे आ नहीं सौना जां की आ, कोई नहीं सी। भैणां तरह समझदे सी, भरावां तरह कोई दिमाग ते ही ना सी हुंदी वे ये लड़की है जां मैं लड़का है, मैं कोई कहाँ जाना करना, बिल्कुल नहीं सी हुंदा। मैम हुण तां जिवें विआह तो पहलां कुड़ियां मुंडे सारे बहुत खरीददारी करदे ने है ना, कुड़ियां नूं बहुत ज़्यादा शौंक हुंदा भी इन्ने गहणे गट्टे बनाउणे आ जां इन्ने सूट। तुसीं भी फिर खरीददारी लई गए? ना ना, मैं मेरी भरजाई सी, मेरियां भैणां सी मेरे तो वड्डियां, असीं तीन भैणां दो भरा सी। हुण इस वेले तां मैं इकल्ली हां, सब खत्म हो गया। ते ओह मेरी भैण खरीददी सी, सब तो वड्डे सी जेठे जिहड़े जां भरा सीगा, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਤਕੜੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ ਸੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜੇ ਸੂਟ ਸੀਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜਾਂ ਮਕਲਾਵਾ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਨਾ ਸੀ ਕੁੜੀ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਆ ਮੇਰੀ ਕਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੀਸਾ ਨਾ ਲਾਇਓ ਜਾਂ ਜੇਬ ਨਾ ਲਾਇਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਸੀ, ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। जब मकलावे धरिया ना समान सारा, कपड़े कुपड़े देंदे हुंदे जी, बहुत मनौता देनियां, कुड़ी दे भी बनाने भी सूट किन्ने भी। जब रखी ना सारा मेकअप दा समान, मैं तो कहना ही नहीं सी को। वो किते वड्डी भैन उन्होंने इदां दा पता ना सी बेचारी नूं। जब पिंड चो कुड़ियां आईयां देखण, वो कहिंदियां भैन बीबी तूं कोई ना साबण रखिया ना कोई सेंट दी चीज़ ही रखी लैके। वो कहती है कुड़े मैं तो इन्ह गलों का पता ही नहीं गा। फिर लागे बाजार से असी असी रेंदे, बाजारों जाके फटाफट साबण दियाँ दो टिक्कियां लियाइया तो एक सेंट की चीज़ ही लियाइया। वो जब मैं इत्थे इन्हां दे घर आ गई 18 साल दी, तो मैं वो सेंट खोलिया, वो मैं लाउणा जे लाउणा तो बड़ा ही मुश्क आना। तो जब भी जिहदे लागे बहना, मैं कहना आया है जिहदे लागे बहनी बड़ी स्मेल आउंदी है, मुश्क आउंदा। फिर एक दिन मैं 2 दिन ना लाया, फिर मैनू पता लगा भी आए तो खरे किहड़ी पुरानी चीज़ ही कादी कोई चक लियांदी। फिर मैं आके भैन नूं कहा, मैं कहा तू देख तां लैंदियां खोल के जां उत्ते पुछ लैंदियां कि इदां दियां गल्लां हुंदियां सी। अगे कुड़ी ना जी बोल सकदी। अच्छा, तुसीं 3 साल पुराना ही लाउंदे रहे? फिर की पता सी कदों दे सी ओ खरे खादा, उदों ही तो लियाइया जो कपड़े धरे नहीं लाउंदे सी ना। मैं नहीं सी पहला लाउंदी, कोई भी नहीं सी लाउंदा, कोई भी नहीं। वो एक कुड़ियां सी 2-3 मेरियां सहेलियां, वो जब कपड़े देखण आईयां सद्दा दिंदे हुंदे सी पिंड च ते कुड़ी मकलावे चली आ तां आके कपड़े देख जाओ। फिर बुढ़ियां कुड़ियां सारियां आउंदियां, सारियां ही आउंदियां हुंदियां सी। सॉरी मजेदार थानू इदा का नहीं मिलना मौका है ना। फिर वो सहेलियां आईया, वो आके जो सारा कुछ देख दूख के, दो जो मेरे तो वड्डियां सी उन्होंने दे खरे मकलावे हो चुके सी। उन्हें कहा भी मेरी बड़ी भैन आवाज मार के नाले भरजाई भी आया ये चली जाती साबण मंगूगी उन्होंने तो। अगे कुड़ी सौहरी आउंदी सी, कोई चीज़ मंगदी ना सी कि मैनू साबण दिओ जां मैनू ओ दिओ मूँह धोण नूं जां की आ। कहंदी ना साबण आ ना कोई सेंट आ है। थल्ले ही दुकानां सीगियां घर दे, असीं बाजार दे विच रहिंदे सी मकंदपुर कस्बा आ। पाकिस्तान तो आउण तों बाद दी गल है। इत्थे इधर मकलावा इधर आ गया हांजी 18वें साल च। ते ओ फिर तां इदां होया फिर पाइयो चीज सीटी फिर पता लगा भी ये तो स्मेल आउंदी सी। हो गई गल हुण अपना भी तो तमाशा ला देना। मैनू लगदा भी ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਯਾਦਗਾਰ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ मैं उदों 11वीं पास करके 12वीं च मतलब कॉलेज के सैकेंड ईयर तो पहला मकलावा लैन जाए पिंडों गड्डी ले बलदा वाली ते चाचा मेरा नाल सी नूर महंदे कोल पिंड सी उदों सानूं मिले उत्तों वो गड्डी लैके आए सी इन्हां दा मकान सीगा नवां शहर दे विच मकंदपुर गड्डी आए तो मिट्टी बड़ी पै गई सारे कपड़े गड्डी दो दिन से हो जा मिट्टी पै गई तो असी एक खूब चलता सी तो वो सी पानी तो मैनू हल्ट हल्ट सी उदों तो चाचा कहता भी आप इतने मूँह धो लें मैं देखा मैं पग लाई तो पग मिट्टी ना लिबड़ी बुरी हालत मैं चाके पग धो दी ओहदा रंग उतर गया होर ले गए जाते ही ना जिंदे लोग और कपड़ा फिर पग सकाई तो बनी अधीड़ी की जाएगी चिट्टी चिट्टी पग रह गए मुकाबला लैन चले गए मुगलावा लैन चले गए उत्थे दी गल सुनाना ਇਹਦੀਆਂ सहेलियां ने ਇਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ने ਸਾਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ रोटी मैं तो चाचे ने ਦੋਹਨ फड़ाई मैं तो जब बुरकी लाई तो बड़ी कौड़ी मैं क्या भाई तो दाल सब्जी बड़ी कौड़ी है दूजी मैं क्या भाई की हुई है फिर मैं दाल सब्जी देखी वो कोई नहीं फिर मैं बुरकी दूजी ला ली सुखी खा के देखी तो मिर्चा की रोटी बनाई मिर्चे पाँदी मिर्चा की रोटी बनाई इदा दियाँ शरारत कर दी नहीं वो मैं क्या भाई हम एक दो बुरकियां तो खा रही है हम एक कहती ये भी खा जाओ मैं वो भी खा रही वो कह रोटी हो लड़े मैं कह रही बड़ी मेहरबानी चाचा कह मिर्च है नहीं मैं कह मैं सारे मर गया वो इन्हें भी पी पाई तो इदा नहीं शरारत होंगी फिर कुड़ियां इदा कर मूड़ा लाना मूड़े गोल होंगे बने हुए जवाई नूं मंजे ते नहीं बहाना कुर्सी ते नहीं बहाना उन्होंने दिनों रोटी थले इत्थे ला के मूड़ा उत्ते बहा लेना फिर कुड़ियां ने एक थाली च गली कड्ढनी अच्छा जी वो गली दे विच दी गोली दा तागा पाउणा रील पतला पा के उधरों मूड़े नूं बन्निया ओहदी थाली नूं बन्निया होना ते उन्हीं इदां आप दूर दूर बह जाना जिद्दां तुसीं बैठे आ उन्हीं जद परोणे ने खाण लगना ते कुड़ियां ने थाली खिच लैणी ओ ताके सणे रोटी ते अगला बैठा ही रह जांदा सी भी थाली किधर गई देखो गल ये कहना इन्ने पैसे दे तो थाली छड्डांगे दे गल हुंदी आ उन्हां दिनां विच टॉलरेंस बड़ी सी हां जी बिल्कुल जिन्ने मर्जी कर लो इदा कोई एक गुस्सा नहीं सीगा अजकल तो करके देखो तो बंदा उठ के तुर पैंदा उठ के दौड़ जांदा वाला ठीक है लभना पैंदा बिल्कुल हम तो बहुत छेती गुस्सा कर जांदे हां नहीं मेरा मतलब बड़ी टॉलरेंस हुंदी ते कुड़ियां भी ना सी करदियां सोहरी जाना चाहे ननान कुछ कही जावे सस कुछ कही जावे कोई भी गलती करे मामा नहीं भी गलती वो जेड़ी मर्जी गलती कढ़ी जान पर इदा मूँह बोलदियां ना सी ओदा रीजन दा दे ओनू बुरा लग समझदा सी बंदा भी जेड़े नूं मूरे बोले जांदे इकोनॉमिक रीजन दा दे की है उस वेले जेड़ियां लड़कियां सी पढ़ियां नहीं सी हुंदियां माड़ी मोटी पंजाबी पंजाबी डेली सिख ली कर दो गुरुद्वारे चौंदा होंदा वो इकोनॉमिकली वीक होंदियां वो डिपेंडेंस होंदी कंप्लीटली वो इस करके जे फर्क दा बोले तो कित्थे जावे गल ते है ना अज कल कुड़ी जिहड़ी पढ़ी लिखी है आप कमाउंदी है वो नहीं चलदी उस वेले वो चलना जिहड़ा मजबूरी होंदी सी समझना जो फर्ज किया साडा ब्याह हो गया जे ये टॉलरेंस नहीं होंगी मैं पढ़ नहीं सकता दाने दिंदे सी रोज आओ ते मेरा मतलब है कि भी जिन चलो घर दे विच हुंदियां ही ऐसी गल तां नहीं अज ससा ना जो करदे सारा जी हुंदियां ते लेकिन अगर वो जो कि जॉइंट फैमिली सी ये अगर टॉलरेंस ना होवे उहनूं ना सहारिया जावे तां बंदा किसी पासों जाण जोगा नहीं गा सो ये मजबूरी सी उस वेले और वो उन्हें कस्टम बन गया। हुण आपां दहेज की गल करते, दहेज बड़ा सोच समझ के चीज़ बनाई गई सी। वो दरअसल लड़की का हिस्सा हुंदा सी। उन्हें एक तो यकदम उन्होंने दे देना, फिर जब लड़की घर आउंदी द्वारा उन्हें जे भावें घर बोरियां पईयां उन्हें गुड़ दियां, उन्हें पेकियां तो गुड़ जरूर लेके जाना, पेकियां चो कपा जरूर लेके जानी है, पेकियां सारियां चीज़ां लेके जानियां। वो एक किस्म दा रेंट हुंदा है वो जमीन दा। यानी उन्होंने ध्यान नाल देखिए ना, जिहड़ा ये सिस्टम बनाया सीगा वो लड़की दा हिस्सा देना और उन्होंने कंटीन्यूअसली उहदी प्रॉपर्टी दा रेंट देने दे बराबर हुंदा सी। उन्हां तुहाडा भाईचारा बने रहिंदा सी, भैन भरा दे ते सारिआं दे अपने रिलेशन्स बने रहिंदे सी, उहनूं मिल भी जांदा सी सब कुछ ते रिलेशन बने रहिंदे। हुण जिहड़ा जमीनां दे लोंडा इन्हां नाल फैमिलियां टुट गईयां, बुरी हालत हो गई है। सो चलो ये तो इकनॉमिक का मामला अपने कहते, पर मैं रीजन दसदा सी। मेरी भूआ काफ़ी बुढ़ी होई हुई सी ते पेकी आना ही आना सी। आई तो कहती मैनू तो भतीज नूं कहणगी भी भरजा मैनू तो रूह देवो, मैं तो रूह दे के जाना। हाँ जी भी मैनू देवो, बच्चे जाना बच्चे ही आना। 2 किलो रूह ले लिया घर का कपाह दा, रूह लैके बस ते चढ़ गई, रूह उत्ते रखता आप थले बैठी बिच वो कितने मठड्डे है, मठड्डिया तो सी। हाँ जी रूह सारा उड़ गया। जब देखने लगे तो रूह है ही ना, उत्ते कपड़ा रह गया थले पिया। फिर उन्होंने आके सुनेहा कर लिया, कोई बंदा कर लिया कि मेरा तो रूह पे होर भी आन लागे पिंडा च पता लग गया। इन्नी गल का तो लग ही जाता, आखिर बच्चा आने रौला पा ही देंगे। लोग इंजॉय करते सी भी एक बीबी आई है उसका रूह उड़ गया। इदा दियाँ गल्लां बेटा होंदियां सीगियां। देखो बीबा वो जिहड़ा टाइम सी ना, देखो असीं भी इन्हां ने गल कीती आ, पिंड दे विच कोई ऐसी चीज़ नहीं, सब जिहड़ा पिंड सी एक भैन भरावां वांगू चलदे हुंदे सी। साडे आंढ गुआंढ बड़े बड़े होए, असीं इकट्ठे खेलदे रहिंदे, किसी ने किते सानूं पुछिआ तक नहीं। ते ओह एक सीगा भैन भरावां वाले रिश्ते रिश्ते सीगे। हुण क्लासिकल चीज़ आखदा कि जे असीं पार्टीशन होई ना साडी ते असीं गड्डियां च उत्थों तुरे सी। आहो गड्डियां तुरे सी, बहुत वड्डा काफला सी। हुई तो बहुत बड़िया गल्लां, पर तुहानूं मैं इस रिश्ते की गल दसदा। साडे गुआंढ दे कुड़ी सी, ताज़ी ब्याही हुई सी, हाले हाले चूड़े चाड़े पाए सीगे ते ओह पेके दियां, ओहदे कोल 2 मज्जां सी, मेरे कोल 2 मज्जां ते बल सीगे, एक होर सी साडे नाल, ओह 3-4 पशु साडे इदां सीगे। इस तरह उन्होंने असी कस्सियाँ कहते होंगे, बड़े बड़े नारे होंगे सी। उत्ते पुली सी, पुली टुट गई, अगले गड्ढे अगे रह गए, पिछले गड्ढे पिछे रह गए, असी विचाले रह गए। वो विचाले रहने के नाल उधरों मुसलमान जांगड़ी उन्होंने कहते होंगे सी, उधर लगाने उन्होंने साढ़े ते हमला करता। वो डंगरां नूं उन्होंने पशुओं नूं लड़ाया सी। मैं दूरों देख लिया तो देखा तो मैं मझ सी मेरे को बहुत तकड़ी है, वो मैं जो उन्होंने डंडा मारिया दौड़ पई। साढ़े नाल गुआंढ की कुड़ी सी, मैं उन्होंने बाहों फड़िया वर्चुअली चक ही लिया। अगे तो मैं उन्होंने मेरा दूजा जो सब तो वड्डी चीज़ थी कि मैं कुड़ी नूं बचाउणा सी। डिडंट केयर फॉर दी एनीमल, किसी बारे कह लो कुड़ी नूं बचा के लिया। वो मरदी तक कही रही कि मैंने वीरे ने बचाया। असी ये हुंदे सी रिश्ते, सखियां भैणां वर्गे हुंदे सी। आहो साडे पिंड सी एक रोड़ियां दा घर बाहर च, उनकी कीता सारे घर तो पैसे इकट्ठे कर ले भी पैसे देवो तो मैं थोनू बस्से चढ़ा के लैल पर घल दूँगा, उतों थोनू गां बसा दे वो इधर लै आउणगे। भी बार्डर बुडर ते गड्डे लिजाण दी बजाय सानू जिन्नियां पिंड दियां बुढ़ियां बच्चे छोटे ते एक मुंडा सी, मुंडियां ना सी जाण दिंदे, मुंडा प्यो कुड़ी बनाई कपड़े पा के तो वो लगाए नाल, बहुत जरूरी सी ब्याह होया सी उहदा। फिर असी जी सारे सारा टब्बर चल गया, मेरे भरा पिछे तो फादर रह गए। असी सारे फिर ना उन्होंने आर्मी वालियां दे ट्रकां च बैठ के जां बसां सानू लैल पर लै गए। असी उत्थे रहे एक हफ्ता। साडे एक लंबड़ां दी बीबी सीगी, विधवा होई सी, पेकी रहिंदी सी। उन बड़ा देखना, जे असी बाहर कोई चीज़ लैन जाना साते हमला कर देना मुसलमानां ने, छोटे छोटे नूं पानी लैन घल्लना, नाल के तो हमला कर देना। फिर असी कहना फिर उत्तों जहाजा तो जो छोले सिटदे सी फिर सानू घर में बड़दियां कहना जा न्याणे चक लिया वो लैंड जाना तो सानू तो हमला हो जाना। बड़ा भुखे मरे अंदर ही बड़े होए जिथे ते हुण तारिया सानू रोड़े ने उत्थे सारा पिंड दियां। फिर वो जिहड़ी बीबी सी ना साडे पिंड दी उन फिर किते पता नहीं कितना सुनेहा कर लिया 65 चक काफ़ी 16 किलोमीटर सी भी सानू इत्थों किस तरह कड्डो जे तुसीं गड्डे लैके चले आ ना बलदां वाले पाकिस्तान इधर तो सानू लै जाओ तो सानू उधर ही जाओ असीं इधर वो जिहड़ी बस चढ़ावे सानू तड़के जाके वो कह जी 2000 दो कोई कहे 4000 दो बसां वाले कह असीं कहिए भी इत्थे रोड़े नूं दित्ते होए आ वो साडा समान ला के थल्ले सिट देण। मेरी बरी सी मेरी भरजाई ने बरी भी सांभी हुई तो गहने भी अपनी जेब च पाए वो आर्मी वाला ट्रक च जब चढ़िया तो मेरी भैन भरजाई की जेब चो गहने कड्ढन फिरे उन्होंने पता सी भी कुछ हैगा जेब भारी हुई हुई है तो फिर कपड़े फिर असी आखिरी आके फिर असी एक ट्रक चों कपड़े जिन्ने से मेरी बरी दे सिटते मेरी भरजाई ने वो ट्रक वाले ने सानू फिर तार दिता बस वाले ने कहता नहीं जाने तुसीं पैसे दिओ नगद। फिर असी मुड़ के बरी चक ले फिर जी मेरे पिंड दे लंबड़ा ने जिन्ने पिंड दे सरपंच सी इन्हां ने फिर इन्हां नाल गल करके आर्मी वाले ना फिर ट्रक घल्ले फिर वो आर्मी वाले सानू लियाए राह च उदों पाकिस्तान का ना एक बार्डर ते ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ तो उरे हड़ आया सी हड़ च हड़ गए सी उन्हां दे गड्डे ते बंदे बहुत हड़ गए सी उत्थे बहुत सी आर्मी फिर डर बड़ा सी पर वो आर्मी दे ट्रक होण करके ना फिर उन्हें सानू उत्थों नगा लिया फिर उन्हें लिया के सानू पिंड च नहीं पिंड चो तो निकल आए सी सारे गड्डे बौलद पशु मज्जां लैके अपना कपड़ा लीड़ा वो लैके बाहर पिंडों बाहर जिहड़े रड़े हुंदे आ खेत उत्थे बैठे सी। फिर असीं उत्थे जद आ गए सानू जानी तसल्ली हो गई भी चलो कुड़ियां भी सही सलामत आ गईयां पिंड दीयां। फिर इन्नी लोकां ने खूह च कुड़ियां सिट्टियां खूहां च सिटियां कुड़ियां खूह भर गए। अच्छा जी इदां सी भी साडी इज्जत ना जावे मुसलमान बेटा मैं सुनदा गल की सी अगे जड़ा वाला सिगा शहर उथे मंडी सी मंडी तो उदन जिहड़ी भी स्टैंडर्ड मंडियां इत्थे भी उदन ही सीगियां जे 4 दरवाजे हुंदे आ सारे घर तो बड़ी खुली मंडी हुंदी ओहदे विच ओह कैंप सी ते मेरा एक अपना चाचे दा ताए दा पुत्त सीगा ओह उत्थे सीगा उत्थे रेलवे स्टेशन से बलोचिया की गड्डी आई उन्हें उठ के जब उतर के उस सर के जिन्ने भी उत्थे बंदे सारे कतल किए तकरीबन 9-10 हज़ार बंदा उत्थे जिहड़ा कतल होया उहदे विच फिर जिहड़ियां ने लड़कियां ने ना खूह हुंदा बनिया पिया उहदे छाला मारियां आह अपनी बनाने ते जिहड़ा मेरा कदम बड़ा सी ओह जिस आड़ती दुकान से उत्ते डबल मंजी उत्ते पौड़ी थले चढ़ के पौड़ी थले सट्टी ਤਾਂ ਉਹ ਬਚਿਆ ਸੀ। तो सवेर में जब कैंप तक आया तो लाशों के उत्तों दौड़ा दौड़ा आया आह हाल सी उस वे नहीं साढ़े पिंड जिहड़े नहीं जा सके सी लहल पर लाहौर किते भी तो उन्होंने कुड़ियां सिटियां मोहरे दरां दी खूह सी ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ भी जे मुसलमान पै गए भी साडी कुड़ियां दी इज्जत ना जावे असीं तो भावें पड़ हो जाइए है सिटियां तो खैर पड़ दे जमाने च गां पुछो सा तो की पुछना बहुत गल्लां बेटा बहुत पुछया जो मर्जी हो करी जाओ वो तो मुकड़ी नहीं स्टोरियां एडियां लंबियां आ। सर पाकिस्तान कित्थे रहिंदे सी तुसीं किहड़े जिले च किहड़े पिंड ए मैं सीगा जी उत्थे जिहड़े नहरां दे मुताबिक हुंदे इक पिंड जिहड़े पिंड नहर दी ब्रांचां हुंदियां सी छोटियां हो गईयां ओह कोई जिदा मतलब गुगेरा ब्रांच रख ब्रांच इदा ओहदा नां रखे हुंदे सी ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿੰਡ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 1 ਚੱਕ ਨੰਬਰ 2 ਚੱਕ ਨੰਬਰ 3 ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਗਏ ਤੋਂ ਸ਼ੰਕਰ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਸਮਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗਏ ਸਮਰਾਵ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਜੜਾਲੀ ਗਏ ਤਾਂ ਜੜਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ 104 ਚੱਕ ਰੱਖ ਬਰਾਂਚ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵ ਵਗੈਰਾ ਬਰਾਂਚ ਤੇ ਜੀਵੀ 104 ਚੱਕ ਜੀਵੀ ਸਵਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਮਨਾਮਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸੀਗਾ 65 ਚੱਕ। ਅੱਛਾ ਜੀ 65 ਚੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੂਜੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ ਇਹ 65 ਚੱਕ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਕੰਦਪੁਰ क्योंकि इतों लोग मकानपुर तो बहुते हो गए हो सी। सो थोड़ा साढ़ा को 3-4 कमील का फासला था। ਜਦੋਂ ਮੈਮ ਦਾ ਮੁਕਲਾਵਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਫਸਟ ਈਅਰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਚ ਇੱਥੇ ਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਸਟ ਈਅਰ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਲਾਲਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਾਲਜ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। फस्ट ईयर उत्थे की इम्तिहान दे के आ गया, फिर मकलावा होया। तो फिर मैं फस्ट ईयर सैकेंड ईयर इतने लुधियाने वो कॉलेज आ गया सी। इतने जिहड़ा हुण खालसा मालवा कॉलेज है ना फॉर गर्ल्स, ये बिल्डिंग किराए पर ली सी। सो 3 साल मैं फिर अपना सैकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर इतने की। 10वीं तो बाद 4 साल होंदे सी, हुण तो 12 तो 3 साल है ना बाद, 10 तो बाद 4 साल होंदे सी। उत्थे BSc की। पिंड साडा सीगा टैंपरेरी जमीन सानू अलॉट हुई सी। नूर महल के कोल एक पिंड है चूहे की उन्होंने कहते, तो मुसलमान का पिंड सी, सानू उत्थे अलॉट हो गई थी। फिर असी हौली हौली अपने जिन्हें सके सोदरे से उन्होंने जमीना बटा के असी फिर जो साडी थोड़ी जमीन सी असी फिर अपने पिंड जद्दी पिंड जंडियाले चले गए। अच्छा मैम, तुसी कितना पढ़े हुए सी उदों जदों तुहाडा विआह होया? मैं तो जी 66 जांदी सी, 66 सी उर्दू दा स्कूल। अच्छा जी। फिर रौले कौले पै गए, फिर कुड़ियां नूं कल्लियां नहर टप के जाना हुंदा सी, फिर जाणों बंद करता। भरावां ने भी उदों कहना नहीं जाना, पंजाबी पढ़ ले। पिंड दियां कुड़ियां जांदियां सीगियां, रोड़ियां दियां खत्तरियां दियां सारा पिंड दियां जाने सी। फिर सारे बोलण लग पए घर दे भरा वड्डे भी नहीं जाण देना, नहीं जाना, रौले रप्पे आ कोई ओ कर दे ओ कर, चल उठो आ गए। इधर आके फिर फीस देने वाला भी है ना जी, वक्त वक्त निकल गया। फिर ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਪੜੇ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਪੜੇ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਪੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪੜ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਬੁਝਨ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪੜ ਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। मेरे भतीजे सी 3-4, फिर मेरिया भरजाइयां सी, मेरिया भैणां भरा, मेरे फादर चाचा चाची सारे कट्ठे ही रहिंदे सी। इस करके फिर मैं थोड़ा जिहा आदत पई हुई सी। खैर घरों तो नहीं सी झिड़के पैंदे, फिर तो अपने परिवार चो उतो तो फिर पैणे ही सी। चलो हो जांदियां उतो तो पैणे ही सी, पर वो चली गए फिर जो कुछ भी है। ननद तेरी बड़ी प्यारी सी। अच्छा जी। होता है वो एदा साथ दे, वो कुड़ी चंगी सी, वो हाले छोटी। अच्छा जी। कितनी 6 साल दा तो छोटा दीप है, 7-8 साल दी हो। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਸੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਜਦ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਤੇ ਫਾਦਰ ਸੀ, ਚਾਚਾ ਸੀ, ਤਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਇਆ ਮਰ ਗਿਆ, 4 ਭਰਾ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਚਾਚੀ ਸੀ, ਚਾਚੀ ਤਾਂ ਸੱਸ ਦਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਜਾਂ ਬਾਜ ਵੇਲੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਆ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕਰੋ ਦਾ ਝੋਲਾ ਬੁਣੀ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰੀ ਘਰ ਦਾ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ, तो मैं वो लगी रहना। फिर उन्होंने पुठी पै जाना भी तू ये लगी बनाया नहीं कुछ। फिर उन्होंने कहना चाची गल सुन, इन कहण वाला बंदा हैगा ओदा, वो आपे कहू जो माड़ा चंगा करिया, तैं क्यों कह तू ना कह। फिर हुण जद बहना भाभी माँ पे तो सदा नहीं रहिंदे, भरा भरजाइयां सदा हुंदे आ नाल। हैं मैं तो छोटी हां तुहातों किन्नी, मैं ज्यादा होना जाना, मैं तुहाडे कोले होना जाना, माँ बाप तो रहिंदे। आ गल्लां मैनूं जाणी वो हर वेले मैनूं रखदी सी। हुण हाले नाल ही जाना, बाहर अंदर जाना, इत्थे गुरु के जंडियाले विआही सी। फिर खेतां बाहर बूर भी जाना, तकालन होर पिंड दीआं बहुटियां जांदियां सी, हुण जाण के लै जाना, कहना चल किसी नाल गल्लां बातां करे होगी, मैं भी नाल ही लै जाना। कई वार खेतां नूं चल जाना ਦੋਹਾਂ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ। आजादी साडे घर आई है, ताना आ गया सानू। अच्छा जी, साडे घर ताना आ गया। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪੇਕੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਏ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਲ ਵੀ ਲਾਇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੀ ਬਈ ਉਹ ਛੇਤੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ, ਚਲੇ ਗਏ ਜੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਜਦ ਕੋ ਉਧਰਲਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਉਧਰਲਾ ਛੱਡਿਆ ਉਦੋਂ ਚਲ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਲ ਪੇਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਕਾ ਹੋਈ ਤੇ ਵੀ ਸਾਲ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਲ ਰਹੀ ਆ ਪੇਕੇ। ਅੱਗੇ ਇਦਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਬੱਚਾ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਸਰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਟਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਾਣਦਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਚ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਚਿੱਠੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ BA ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਊਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਆਊਂਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਊਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੋ ਆਪਾਂ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ 2-4 ਦਿਨ ਰਵਾਂਗੇ 2-4 ਦਿਨ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਇਦਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਆਪ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ? ਨਕਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਭਰ ਲਈ। ਫਿਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ? ਅੱਗੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਇਆ, ਫਲਾਨਾ ਆਇਆ, ਪਿਆਰਾ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਾਂ ਨਾ ਸੀ ਲੈਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਪੋਤੀਆਂ ਵੀ ਸੀ, ਭਤੀਜੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸਰ ਜੀ ਕਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ? ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਵੋ ਤੇ ਦਾਦਾ ਨਾ ਕਹੋ। ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਨਾਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਸਾਦੀ ਸੀ। ਮੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹਸਬੰਡ ਹੁੰਦਾ। ਮੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੇ ਆ ਚਾਹੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਬੜੇ ਪਾਪਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੈਂਡਦਾਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਦਾ ਤਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਆਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨ ਦੈਟ ਸੈਂਸ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮਮਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਚਾਹੇ ਦੋਤੀਆਂ ਚਾਹੇ ਪੜੋਤੀਆਂ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਮਾ ਸਭ ਨੇ ਬੜੀ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਕਾਲਜ ਆ ਮਕੰਦਪੁਰ, ਉਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਗਈ ਆ ਉੱਧਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭੂਆ ਆ, ਚਾਹੇ 200 ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ 300, ਭੂਆ ਫੁੱਫੜ ਭੂਆ ਫੁੱਫੜ। ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਭਾਣਜੀਆਂ ਆ ਪਰੇ, ਉੱਥੇ ਗਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮਾਸੀ, ਸਾਰੇ ਮਾਸੀ ਆਈ ਮਾਸੀ, ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਆਂਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਆਂਟੀ 'ਚ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਸਿਰ ਜਦੋਂ ਪੇਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੈਮ ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਤੁਰ ਕੇ? ਜਾਂ ਬੱਸੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਬੱਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ। ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ ਲਸਾੜੇ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ 5-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਕੰਦਪੁਰ ਬੱਸਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੁਰ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲੰਘਦੀਆਂ ਸੀ, ਦਰਾਂ ਮੋਹਰੇ। ਤੇ ਅੱਡਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਸਬਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਕੰਦਪੁਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸੁਭਾਅ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਚੱਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਘਰ 'ਚ ਕਰੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਧਰ ਉਧਰ ਹੀ ਲਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਮਗਰੋਂ ਆ ਕੇ ਭੈੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਾਲੇ 8 ਦਿਨ ਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, 8 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਚੱਲੀ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਐ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਵਧੀਆ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਿਲ ਗਈ? ਦੇਖੋ ਬੀਬਾ, ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, 2 ਡਿਫਰੈਂਟ जुदी जुदियां परसनैलिटीज होंगी। परमात्मा ने दो बंदे एको जे नहीं बनाए, समझे ना। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਪਰਫੈਕਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਦੂਜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਟੋਲਰੈਂਸ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਅਰ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰੋ। झगड़े भी होंगे, लड़ाइया भी होंगे, डिफरेंस भी होंगी। अभी कि लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं, डिफरेंस होंगे। पर ना ये नहीं कदे मैनू बनाया, ना मैनू कदे बनाया, अपने आप ही बन जाएगा। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੜਨ ਤੇ ਪੰਗੇ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਪਈ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਗੱਡੀ ਰੱਖਿਆ ਆ ਆਪਣਾ, ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਜੁਦੀ ਆ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਜੁਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪਿੰਡ ਚ ਕਿਤੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਭਾਣਜੀਆਂ ਕੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਰਾਤਾਂ ਚਾਰ ਰਾਤਾਂ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਫ਼ਤਾ ਦੋ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਕਹਾਂ ਇਹ ਜਿੱਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਰਹਿ। ਮੇਰੀਆਂ ਹਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕੀਪ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਬਿਜ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ DAV ਦੇ ਦੋ ਸਕੂਲ ਹੈ ਵੱਡੇ, ਜਿਹੜੇ 4,500 ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਦੋ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਨੇਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ DAV ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। DAV ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਹੈ, 3 ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ DAV ਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਲਾਈਵ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਪੀਠ, ਉਹ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਦੁਰਾਹੇ, ਸਾਡਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 350 ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਲਾਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ 5 ਸਟਾਰ ਰੂਮਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਚਿਲਡਰਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50। ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀ ਮੀਲਸ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ 5,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੇਲੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਡਾਕਟਰ ਵੈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਪਰ ਮੇਨ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਈ ਗੈਟ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਫਰਾਮ ਦੀ ਓਲਡ ਪੀਪਲ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ, ਬਾਕੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਵਰਕ ਆਇਆ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਡਿਟ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ, ਮੈਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, 35-40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁੰਡਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ 70-72 ਕੰਟਰੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੱਕ ਵਾਲਾ ਸਫ਼ਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਸਫ਼ਰ, ਹੈ ਨਾ। ਪੈਦਲ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਗਏ ਬੀਬਾ, ਹਾਂਜੀ, 3 ਮੀਲ ਜਾਣਾ, 3 ਮੀਲ ਆਉਣਾ, 3-4 ਮੀਲ ਹੈ ਇਹ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਪੈਦਲ। ਕਿੰਨਾ ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਿਆ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਈਕਲ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਾਲਜ ਦਾਖਲ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਵੱਡੇ 'ਚ, ਉਹ ਕੋਈ 7 ਮੀਲ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਹਾਂਜੀ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਰੈਲੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਰੈਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਹੀ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਵੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਗਏ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਕੱਲੇ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਪਲ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ? ਦਗਾਲੇ ਆ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੰਮ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਚੇਂਜ ਆਉਣੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਚੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, रिलेशनशिप बड़े स्ट्रोंग सीगे, लेकिन उस वेले सहूलत नहीं सी, जिंदगी फट गया घर च पखा भी नहीं सी हुंदा, समझे ना, दरख्तों थले शाम नूं पखिया चल चल कर रहा। जब पहली बार कूलर लिया तो लाइन लग जाती बंजों की, वो कूलर छड्या रात नूं बाहर सौंदा सी, किहनूं गोडा उच्चा करदा गोडा थले कर होए, हैं साढ़े मेरे पेकी मतलब उस ज्यादा उस चीज़ तो चलना फर्क तो पैदा है, लेकिन यह भी उस वे रिश्ते बड़े स्ट्रोंग सी हैं और वो टुटते नहीं सी। अजकल रिश्ते बड़े वीक है, ब्रिटल है। सोई च बहना सारे टब्बर ने, बिच्चे ही बाप, बिच्चे ही भरा, बिच्चे ही भैणा, बिच्चे ही भरजाइयां, इदा चूल्हिਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ इदा लाइन किसी ने फटकी लई आ, किसी ने पीढ़ी लई आ, सारे ने बन। फिर जो पिंड की गल होई हुई, जो किसी की होई हुई, जां मेरे नाल बच्चों ने करी, जां मेरे भरावां नाल किसी मुंडियां ने करी, जां भरजाइयां किसी की सुन के आईयां, जानी वो रात नूं साडे सारे टब्बर की एक गल हो जाती सी भी फलाना अज घुघूरा मार के लंघ गया दरा मोर दी, फलाना आ कहा, मैं गई फलानी जनानी ने ओ कहा, फला बंदे ने ओ कहा, मैनू फलाना मुंडा आ मत दिंदा सी। जानी रात दी रोज दा ये काम है, दिने बैठदे सी, मतलब हुण अजकल तो है नहीं, हुण कोई बेंदा ही नहीं। ब्याह तो बाद फिर खरीददारी सर कहंदे हुंदे सी मैम भी खरीददारी करवा के लियाओ बाजार, ना ना आपे ले जांदे सी, पहाड़ां च ले आंदे, ए ट्रेंड ही नहीं सी हुंदा। अच्छा जी, जो आ गया ठीक है, टॉपियां ले जांदे सी, वो चोरी देणीआं। अच्छा, जब शहरों जांदे सी ए जब इत्थे पड़दे टॉपी देणीआं मैनूं, फिर मैं खा के मैनूं कागज सिट्टण नूं जगह ना मिलणी, फिर जे इन्हां दी चाची देख लई हुण कहणा ए कित्थों लईआं, ए डर हुंदा सी। फिर मैं कई बार अग बलदी है चूल्हे च तो मैं कहना ये चीज, फिर मैं कहना ओहदी आदत इदां दी सी, मैं कहना जे उन चूल्हे का सुआह भी कड्ढण लगी ते विचों रह जांदी ना उदां ही पेपर प्लास्टिक होवे जल के इकट्ठा हो जांदा, फिर डर ये लगना, हां जी पता नहीं की की करदी सी, फिर उहनूं लुकाउण लई जां किते बाहर गईआं ते फिर जीभ च पा के ले जाणी, उत्थे सिट्टे होणी। अच्छा, कुछ होर नहीं सी ले जांदे शहरों ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਆਇਆ ਚਲ ਲਾਗੇ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਸੀ, ਉਹ ਆਪੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਬ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੇਕੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪੇਕੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਰੋੜਿਆਂ ਦਾ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿਸੇ ਸਭ ਮੇਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਆਏ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣੀ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਆਉਂਦੀ, ਜਦ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕੁਛ ਬਣਾਉਣਾ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਜਦ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਦ ਤੱਕ BSc ਮੈਂ ਕਰ ਲਈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। पुराने जमाने च वैसे जो जो तुहाडे वाला वक्त सी उहदे च हुण भी कई लोग फोटोआं पाउंदे हुंदे भी आ मेरी दादी ने दादे लई स्वेटर बुनिया सी ते आ रुमाल ते उहदा नाम कढिया सी, तुसीं भी स्वेटर सूटर दा? मेरे काके न इह काम करदा, आस्ट्रेलिया घालदा पुराना समान हत्थ दा बणिया, मैं उहनूं को घट्टो घट्ट 2 पंडां अपने हत्थ दीआं चादरां कढियो 4-5 जोड़े एडे एडे फुल पटियाले जा रहीआं ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਨਾਰਾਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਕੱਢੀ ਆ, ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਸਿੰਗਲ, ਪੱਖੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਿੰਨਾ ਕਰੋਸ਼ੀਏ ਦੇ ਟੇਬਲ ਪੋਸ਼ ਚਿੱਟੇ ਤਾਣਾ ਤਾਣ ਤਾਣ ਕੇ ਉਹ ਅੰਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ। ਫਿਰ ਸੂਟ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਬਾਜਰਾ ਮੋਤੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਚੁੰਨੀ ਦੇ 4 ਚਪੇਰੇ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਲਾਇਆ ਚੌੜਾ ਸੂਈ ਨਾਲ, तो वह मैं पटियाले बैठी ने किया सी, नाल गल दा नाल बाहां दा। वह मैं हुण सलवार मेरे को पई आ, कमीज तो मैं चुन्नी मुंडे ने देती है। हुण उहनूं कोत आस्ट्रेलिया घालता, दरी सी मेरे हत्थां दी बणी होईआं, जानी खेस कोई चीज़ भी है ना जिन्ना माल सी सारा मैं दे। हुण मैं कई बार फिर जिहड़ी सिंधी कढ़ाई है वह अजकल कोई जाणदा ही नहीं, पता भी नहीं किसी नूं, बहुत औखी हुंदी सी। एक बूटी भी पाउणी ओह कोई पा नहीं सी सकदा। वो मेरे फुल 2 चादरां सी दवाना दियां, मैं उन्होंने वो भी 2 ही देती। हूँ मैं उन्होंने कई बार कहूँ भी जिन्ना समान नहीं तेरे हाथ गया तू मैं उन्ना चिर दे दे मैं पछावा कहना माता जी नहीं हूँ हूँ एक स्वैटर बुनिया पिया हाले चिट्टा बहुत वधिया डिजाइन का वो हूँ मैं रोज़ कुड़ी नूं कहनी कुड़े कढ़ के दे दे जन्मेजा नूं भी अपने समान च रख ले भी मेरे हत्थां दा बणिया आ होर एक छाल बुनिया सी क्रोचीए नाल वो मेरे हत्थां दा वो कदे पता नहीं नौकर ने किते दित्तिआ यानी मैं हुण जिन्नी हत्थ दी चीज़ है सारी उहनूं दे दी पक्खियां भी सारा कर लैंदे सी यही कुंदा सी अपना एक कहने स्किल जिहड़ी हुंदी ना एप्रीशिएट कीती जांदी सी बिल्कुल उहनूं हुण थोड़ा जिहा तां घलता पिआ करोना होण करके चलिआ सी पिछली मार्च च हाँ जी तो उत्थे फिर मैच लाउंदे आस्ट्रेलिया कनेडा जांदा 2 महीने लिए फिर उत्थे पुराना समान जिन्ना पुराना भांडा पिया कोई कोई चीज़ पई आ पुरानी तो पुरानी वो इकट्ठियां करदा वो करके हुण कुछ तो हुण घलता कूड़िया करता कुछ हुण उहदे कोल पिया वो कहंदा मैनूं भी इत्थे लोड़ पैंदी आ हां जी भी कई बार मेले मूले लगदे आ तां मैं तुहाडे हत्थां दियां मैं हस्सण लग पई मैं कहा मैं तां तैनूं दित्तियां सी भी मैनूं तूं पैसे देईं इहदे ते बहुत कहता माता जी मैं उत्ते तुहाडे नां लिख देने हर चीज़ ते उन्हां चीज़ां ते तुहाडा नां चलूगा चंगा भरा सर तुसी जिवें हुण बहुत सारे मुल्कां च तुसी जांदे रहे है ना तां हमेशा फिर इकट्ठे जांदे हुंदे सी अच्छा फिर तो बच्चे मेरे थोड़ा कई जगह घट रहे आ हां जी ते इन कुड़ी ने एमए बीए करी आ फारसी दा साल पढ़िआ फिर इन्हें एमए करी उत्थे मेरे को रह के रांच हाँ जी ज़्यादा टाइम असी रांच रहे हैं अच्छा जी 4 साल रहे उत्थे की करदे यूनाइटेड नेशंस दा मैं कंसल्टेंट सीगा अमेरिका च असी पहला गए 2.5 साल रहे हैं हाँ जी फिर असी 2 बार उदां गए फिरन तुरन इंग्लैंड मैं कोई घट्टो घट 10 बार गई हूँ अच्छा जी मेरिया भाणजियां सी इन्हां दे ब्रदर आ 2 चाचे दे मुंडे जानी काफ़ी फैमिली आ जांदे ही रहीदा सी हाँ जी ते बाकी स्पेन गए हैं उत्थे इन्हां दी एमएससी दा बंदा आ दिल्ली दा मास्टर सीगा उहदे कोल 2 रातां गए उदों स्पेन देखिआ फिर लबनान गए आ रोम गए आ 3 महीने उत्थे ते मेरी डाटला भी गई मेरी लड़की भी जुआई भी मुंडा भी सारे जाए हाँ जी होर नहीं बेचारी किते जा सकी नेपाल च भी गए हैं नेपाल गए हैं हाँ जी फिर इतने अपने रोम मतलब मैं नाली रही मोस्टली रोम रहे हैं कनेडा रहे गए मैं तो वैसे बहुत मुल्क नहीं गया हाँ जी तो चाइना फिर असी उत्थे साडा होर सीगा असी 10 दिन का टूर रख लेंगे सी किसी कॉलेज च लैक्चर देना या यूनिवर्सिटी देना 10 दिन का टूर बना लईदा सी फिर 10 दिन ही उत्थे होटल बुक हुंदे सी ते जद फिर बच्चे जाते रहे पहला नाल एक जगह फिर ये पढ़ते सी फिर इन्हें कहना पापा तुसी जाया वो असी दोनों घर रहने अच्छा भी सानू बार बार जा हुंदा साडी पढ़ाई खराब हो जाती फिर दोए भैन भरा लड़ते बड़ा सी बहुत लड़ना एक दूए नाल टीवी तो भी किसी गल तो वो ज़्यादा असी कल्ले छड्ड गए मुड़ के उन्हें कसम खाण नूं अज ताईं सौं खाण अच्छा जी इन्ना उन्हां नूं हो गया ते इदां रहे मोड़ उन्हां जिंदगी दे विच बिल्कुल ते फिर छुट्टियां च मैं लै जांदी सी ए तुसीं सुणिआ ना कहंदे ने कि मां बोली क्यों कहने आ हां जी कहंदे पिओ तां बोलदा ही नहीं ऐसे करके मां बोली कहंदे दे लो अज भी शिकायत कर रहे ने कहंदे भी मैनूं तां बोलणे ही नहीं दे रहे चलो जी ठीक है हम और कर बिल्कुल अच्छा नहीं वैसे तो दोवां दा सुभाअ ही इक्को जिहा लगदा मिजाज हसमुख लगदा बिल्कुल जदों गर्मी लगती है मैनूं ठंड लगती है जब ठंड लगती है मैनूं गर्मी लगती है जे मैं बाहर बैठा तो अंदर बना इन्होंने बाहर गर्मी लगती है सो साडा सुभाअ इक्को जिहा नहीं पर साडी पॉजिटिव नैगेटिव जिहड़े ना इकट्ठे रहने हुण कल्ले कल्ले रहण दे ही देने आ बैठे आप अपनी मर्जी दे बैठे रहने बिल्कुल गुस्सा तो आ जाता ये नहीं कि गुस्सा नहीं आता पर फिर वो कही दा नहीं काला नूं काफ़ी हो जाते कट्ठे बरांडे च फिर कही दा चल हुण दूआ बंदा उपरा बैठा है तो बैठे कान शकैत लाउणी ते दिने जद रोटी बाहरे खांदे दोपहर दी जां रात दी खानी है फिर उदों हुंदा वे हुण खाना खांदे हुण कोई गल कही दा बुरा गल बेटा कहण नूं कुछ हाँ जी बड़े हैं ठीक है इतना टाइम निकली जाता लेकिन मेरा मतलब कोई साढ़े इकोनॉमिक स्ट्रैस नहीं साढ़े कोई बच्चे सैटल्ड है सब कुछ ठीक है ठीक है सानू सट बहुत वड्डी बजी है, लेकिन मेरा मतलब साढ़े को ऐसे ही नहीं कि सानू जी कोई मुश्किल हो जिसे असं एक दूजे ने कंट्रीब्यूट करिए। अपना भी इंडिपेंडेंट इंसान, मैं भी अपना इंडिपेंडेंट। पर मैम ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਲੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਹੈ ਨਾ? ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਚੱਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕੋਈ ਘਰ ਦੀ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਹੁਣ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕੋ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਦੱਸਣਾ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਈਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ कोई एडी खास नहीं है। ठीक है, साडा वक्त बहुत सोहना निकल जाता। वैसे तो सफर मेरे ख्याल च दोनों दी समझदारी नाल ही सोहना निकलदा। बच्चे को ला ली मेरी डॉक्टर लासी ना ओन मैं कोई गल होनी मैं इन्हां दी आ चाहे जिन मेजे दी आ मैं ओनू दस देना पिंकी पापा ना गल करी आ जां मेजे ना गल करी ओनू ओनू दबक देना तुसीं क्यों एवें इदां बोलदे रहने तुसीं आ गल क्यों गलत करदे आ। इन्हां नूं भी कह देना, मैनूं भी कह देना, इन्हां नूं भी कह देना। भाई इन्ना याद कर रहे हो तुसीं? नहीं नहीं ओदी गल मैं याद असीं तां कर रहे हैं, वो मेरे बड़े क्लोज दोस्त दी बेटी सी और वो सारा टब्बर मैनूं ताए कहंदा हुंदा सी। इक फैमिली आउंदी घर बेचना सी ना पालमपुर वाला ते मैं उहनूं कहा मैं कि पिंकी मैं कहा इन्हां नूं की कीता मैं कि किसी दे कहण नाल घर बेचना तो लाता। अगले ने कहा समान भी बिचे ही दे दो अंकल, समान बिचे ही दे दो। मैं कहा नहीं सारा समान बिच करता। हाय कई चीज़ा अपने घर दियाँ कितनी जरूरी है बनाई हुई जा करी। कहती मम्मा चुप कर लो, जिदन जाणगे समान लैन मैं नाल जाऊँगी, मैं नाल जाऊँगी, मैं आपे जिहड़ी चीज़ चकनी है मैं आपे चक लिओ, तुसीं जिहड़ी कहोगे भी जिहड़ी छड्डनी छड्ड लांगे। चक्कण वेले रही इदा जानी मैं उन्होंने दस दी कोई चीज़ किसी। देखो साढ़े बॉन्ड बहुत तगड़े से। मेरे दोस्त की लड़की सी असी साडा मुंडा ब्याहण वाला सीगा। यही क्या कोई चाहे कि साढ़े होर प्रैशर पावे तो मेरे पहले दिमाग से भी लड़की अपना ले आनी है। फिर मैं क्या चल चलीए अं जाके तो मंग लिया तुहानू मंजूर है। वो कहता भाजी मैं तो डरदा नहीं तुहानू कहता है ये तुहाडी बेटी जो मर्जी करो। तो मैं इनू सद लिया इधर बैठी तो यदि माँ ने मारी बात पिंकी आई जरा हार बैठ गए तो यह दौड़े दौड़े आई ताया जी कहती सी मैनू तो इनू कहते चुनी लै गया उन्हें कि मैं इनू शगन देता तो मैनू कहती ताया जी मैंने पढ़ नहीं देना तुसीं। मैं क्या पुत्र इत्थे हो जा उत्थे की फर्क तेनों पैंदा, वो भी तेरे घर है। इत्थे आके बीबा उन्होंने मैं कॉलेज दाखिल कराया, उन्हें BSc की BA की सॉरी, फिर उधर MA इंग्लिश की, फिर वो BEd की, फिर वो MEd की, फिर वो PhD एजुकेशन की की। उन्हें तो घर आ गए। मेरा तो प्यो धी का रिश्ता सी उहदा ते जे मैं जाता ही पालमपुर तो दूसरे दिन टैलीफोन करती पापा वापस आ जाओ। ये चले गई तो मैं कहना पेकी घर खाली है तेरे बिना, वो खाली करके चले गई। हाँ सो साडा जिहड़ा सी ना प्यो धी का बॉन्ड सी बहुत तगड़ा। वो मैनू जो गल कहना चाहती थी कह जाती थी समझे ना बेझिझक। जो मैं दूजी बारी कहता पेकी इदा जो फिर भी इंसिस्ट किया मैं उन्होंने एग्री कर जाता यू आर राइट। हाँ तुम देखो भी एक गल मैनू बहुत सोहनी लगी मैम दी कि उन्होंने अपने विआह तो बाद तुहानू बहुत कोऑपरेट किया जिदे करके तुसीं पढ़ाई कीती है ना। फिर वो जिवें पहलां भी मेरे नाल गल कर रहे सी प्रैप ਸੀਗੇ मैम उदों जो ਵਿਆਹ हो के आए घरे है ना तो उन्होंने भी इन्होंने पढ़ाया है ना। ये भी बहुत वड्डा एक बच्चे होए जी वो पाले असीं 18 साल असीं पोता ਦੋਹਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਇਆ। आप एक बार दुध पिलवा लेता सी ते अपने नाल ही सलाउणा फिर जब दुध छड्डता फिर असीं बोतल दा पिलाउण दा पिलाउण ते असीं नाल ही रखे। फिर देला पढ़न गई आ मैं उन्होंने थोड़ा दिंदी सी तू आप रोटी पका के खा के जा। मैं रोटी बनानी जा मैं आप भी करती नहीं, नौकर नहीं रहे बहुत बार। मैं आँदी दे 4 बजे तो टेबल लगा रहन दी सी भी आऊगी तो रोटी खा लू फिर पहुँच चकांगे। फिर हूँ 4 बजे रोटी खा के हूँ जां उत्ते जाके सौ जाना थकी हुई कालज जो जां हूँ बाहर किते तकाला दशहर का। मैं 4 बजे फिर किसी नूं बुलाउणा काम वाली नूं ते मैं सारा समान चकना थलना। मैं ये ना सी कदे किया भी ये आई है तो हुण ये समान क्यों नहीं सामभिया। ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਨੌ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਪਰ ਟ੍ਰੀਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ मतलब असी अगर अपनी किसी बेटी को कोई शगन कोई चीज़ दी है दिवाली की बना दी उन्होंने बराबर मिली हूँ रिटायर हुई मैं पहला ही 3-4 महीने पहला ही सूट तैयार करके प्योर का वो रखा सी एक मैं फुलकारी रखी हुई सी वो मैं क्या जिदन रिटायर हो कहीं सी मैनू स्कूलों ना लैन आयो ना मैं लैन आयो मैं आपे ही उत्थे सैन करके अपनी गड्डी ते आपे ही आ जाना घर आए घर असी पार्टी करती मैं इत्थे बहाल के नाले उन्हें सूट फड़ाता नाले मुझे फुलकारी सिर ते देती फोटो खिंच हुई पईयां सारियां नाले लड्डू मूँह लाता चलो असी कोल बैठ के दोहां ने फोटो खिचा ली चलो उन्होंने माण हो गया भी चलो मेरा माँ पे हुण है नहीं गा होर किन करना मैनू सी भी साडे कोल बड़ी आ सब कुछ कीता असी ही करना साडे कोल है भी तो वही बिल्कुल। देखो ਆਪਾਂ ਜੇ चाहिए तो अपने ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੂੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਖਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਘਾਟਾ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਲੇਡੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਦੀਦੀ ਵੀ ਜਾਂ ਚੱਲੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕੋਠੇ ਤੇ ਜਾਂ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਰਸੋਈ ਦੀ आ टेबल इधर लगे हो से इधर लाते मैं पिंकी जो मर्जी करी जो चादर एक दिन सारे मेरे दबाना नहीं कढ़ के बाहर उधर लै गई नाल मेरी कुड़ी नूं बुला लिया भी मम्मा कहन ना भी कली सारा खराब कर गई उन्होंने बुला के उधर जो विचों पुरानी सी कढ़न वाली कोई बाहरलियां मेरियां लियांदी हुई छांट छांट अड अड करके मैनूं कहंदी आ ला मम्मा हुण आ रख लो इत्थे आ पुरानियां इधर रख लो कोई ड्राइवरां नूं देणियां हुंदियां किसी किसी नूं देणियां हुंदियां मैं कदे इह ना सी किहा वी तूं आ काते इदां करदी हुण आई एक दिन लेट उतरी मैं बैठी सी मैं कहा पिंकी तूं अज आई नहीं कहंदी अज मैं ना खलारा बहुत पा लिया मैं रजाइयां भी सांभतियां मैं गर्म कपड़े भी सारे सांभते सब कुछ सांभ के गई है सारा थले उपर सारा ਅਖੀਰੀ ਸਵਾਲ मैं ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ बहुत ਸੋਹਣਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਨਾ ਕਦੀ ਤਲਖੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਪਲ ਕੀ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਪੜਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਸੀ ਹਨਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਸਾਲ बहुत ਸੋਹਣੇ ਸੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਸੋਹਣੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਖੀਰਲੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਖੱਟੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਐਵਰੀ ਮੂਮੈਂਟ ਵਾਸ ਖਾਸ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਐਵਰੀ ਮੂਮੈਂਟ ਵਾਸ ਆਰਡੀਨਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਆ ਚੰਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆ ਮਾੜਾ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਈਆਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਲੀ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਹ ਸੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਮੂਡ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਵੀ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਅੱਛੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ उन्हें कहना पापा थोड़े को तो असी रहे हैं कोई मेरा काका बाहर ना सी रहा कहना मैं नहीं बाहरले मुल्क लिए कमा मैं अपने मुल्क लिए कमा जाऊँ आऊँ जरूर कहना थोड़े को असी है साढ़े को कौन है साढ़े न्याणे पक्के हो गए उधर तो ये पता ही नहीं भी तैमें छड़ गया चलो नहीं मेरा कहना तो मतलब आप नहीं कह सकते आ पीरियड जो चंगा सी तो आ माड़ा सी कंटीन्यूअस जी नैगेटिव पॉजिटिव मुश्किलों से खुशियां सारियां इकट्ठियां चलिया आ रही हैं चलते रहे कई बार बेटा बल्ले बल्ले जी मार लेंदी है ते बाकी परमात्मा ने बड़ी सक्सेस दी हर एक ने कहना जे कारां खड़ियां 4-5-6 कारां भी खड़ियां होनियां लोकां ने कहना ये व्यापार करदे आ जे गांडी गोंडी जे नवें आउणे कहना व्यापार करदे इन्नियां कारां ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਅੰਦਰ ਹਾਲੀ। ਮੈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ बस तुसीं जिहड़ी आदमी गल कहंदा वो झल जाओ। उहनूं उत्ते मिट्टी कहंदे हुंदे, जिहड़ी पंजाबी च मिट्टी पाओ, अपने मन च कर लो, कर लो, जां दूजे को कर लो, कुड़ी को कर लो, नूंह को कर लो, मैनूं आ गल होई जां मैनूं आ किया, फिर आपे निकल गई। आदमी नूं तां दस्सो ही ना भी तूं आ गल मैनूं कही आ। आदमी दा मैनूं हुण पता नहीं, इदां ही आदमी दा मैनूं पता नहीं की सोचदा होऊगा। नहीं नहीं हुंदी आ, देखो गल आ, ये तो टैंपरेरी चीज़ा होंगे, समझे ना। अगर थोड़ी एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हैगी है, वैसे इकट्ठे ही रहना, साडा घर है, साडी फैमिली है, इकट्ठी चलानी है, अगर अगर तुहानूं वो समझ हैगी है, हैं, और तुहानूं इह रिश्तियां दी जिहड़ी है वैल्यू का पता कि साडे रिश्ते, साडे बच्चे भी है, साडे माँ बाप भी है, साडे रिश्तेदार भी है, असीं इकल्ले नहीं है। एक एक जिद्दां एक तंगड़ हुंदा ना, ਉਹਦੀ एक लड़ी खिची अड़ी ਨੂੰ खिचो सारे तंगड़ चुक्या जाता। जे तो बंदा ये समझ लवे कि मैं कला नहीं, असी पार्ट है एक सारी एडे जुगाड़ दे भी असी उहदे रहना, फिर तो चल जाता। जे बंदा आप मोहरा हो जाए कला ही कि मैं अपना ही देखना, फिर वो नहीं बचता। सो यू हैव टू लुक टू द इंटरस्ट ऑफ द अदर, दूजे बंदे दे इंटरस्ट भी देखना पैंदा, अपने आप को एडजस्ट भी करना पैंदा। इत्थे कंटीन्यूअसली एक दूजे नूं झलण वाली गल है और एक दूजे नाल एडजस्टमेंट करने वाली गल है। ये दो चीज़ा अगर हैगियां दोहां दे विच तां फिर दोनों ने चलना। ये मकान मेरे नाम से शुरू तो 60 तो वो ऐतकी नहीं मेरे काके दे नाल लवाता, तो मैं क्या तुहानूं इदां चाहीदी सी भी ना मेरे ने कर दिंदे ओहदे। ये कहिंदे भी जिन्ना चिर ये जींदी आ मालक ने आ, उदों मगरों इहदा है भी विच होर किसी का कोई हिस्सा नहीं। वो हो गया। फिर ये कहते हैं लै तेन पेंशन जो मिल जानी है, हाँ ना ठीक है। मैं क्या, मैं हस गई, मैं क्या हाँ कमाल हो गई, PhD तुसी कीती हुई है, तुसी इन्ना नहीं सोचा भी तू मैं पहला तुहानूं इहदा मतलब भी तुसी मेरे तो पहला जाना है, तुहाडे किद्दां दिमाग च भी मैनूं पेंशन मिल जाए। देखो जिन्ना चक मैं हैगा जिन्ना चक पेंशन मिलती है नहीं, पर ये नहीं किया मेरी पेंशन तैनूं लग जाए। मेरी गल देखो जिन्ना चाहे मैं हैगा सानूं पेंशन मिलती है, महीने के महीने मिल जाती, सड़क जाके लोड़ नहीं। नूंह कहिंदी जे मैं ना होवां तां इन्हां नूं पेंशन मिल जानी है। मेरी नूंह कहिंदी पापा मम्मा तुसीं गलती करदे आ, कुंडे ला लैंदे आ, दो हुण सियाणे होए होए आ, कोई गल हो गई तां किद्दां करांगे, असीं दरवाजे तोड़ांगे। मैं उदण तां चुप रही। मैं दूए दिन बरांडे 'ਚ बैठे सारे, मैं क्या पिंकी तैं भी PhD करी है, इन्होंने भी PhD करी हुई है, थोड़े दिमाग च इन्नी नहीं भी तो दो इकट्ठे मरांगे। बिल्कुल सही गल है, थोड़ा लहजा बहुत सोहना है बई दो इकट्ठे मरांगे। मैं क्या जी इन्हां नूं कुछ हो गया, मैं क्या अगे होया सी तो मैं सारे कुंडे खोले, सारे नौकर बुलाए, तैनूं कोटे तो बुलाया ते तुसीं हस्पताल मैं घल्ले। ये बिल्कुल बेहोश हो गया सी। मैं क्या जी चाहे गुआढ़ी भी कहण है नहीं है नहीं, मैं क्या नहीं तुसी कार च फाड़ो, ये डॉक्टर को एक बार जरूर ले जाओ, डॉक्टर अपन कह दो भी है नहीं, फिर मोड़ ले आयो। मैं घलते फिर मैं क्या पिंकी जे मैनू कुछ हो जी तो कुंडा खोल देंगे, जे इन्होंने कुछ हो गया तो मैं कुंडा खोलूँगी। फिर हसी कहती मम्मा वाकई साडी PhD फेल हो गई। देखो जिहड़ी तुसी PhD कीती है एक तरह नाल है ना कि रिश्तियां नूं संभालना, घर नूं संभालना, वो तुहाडे अंदर बहुत सारियां समझां पैदा करदी। मेरे तो इन्हां नालों ज़्यादा PhD है। मैं जिहड़ियां गल्लां कई बार सोच ही नहीं सकदे ना, कोई भी बच्चा भी घर दा कहण लगा ये भी मैं कहनी नहीं मैनूं तुहाडे नालों ये गल दा हिसाब किताब ज़्यादा पता कि मेरा बाप इंदा अभी बन के तुर पड़ने जी। सर गल्लां करते करते कई बार माहौल भावुक हो गया ना, क्योंकि मैम हमेशा मैम नूं याद कर लैंदे ने, पर मैनूं लगदा हुंदा भी कई बारी छोटी जी गल आ जिहड़ी जदों रह जांदी है तां साडे जिहड़े देखण वाले ने ओह फिर कमेंट करके पुछदे ने भी आह गल तुसीं विचकार ही छड्ड दित्ती सी। तुसीं शुरुआत दे विच जिक्र कीता सी कि उदों वेख विखाई वाला नहीं सी हुंदा है ना काम, तां तुहाडे एक दोस्त मित्र जिन्होंने तुसी अपने साडू कहने हो भी वो एक बारी वेखण चले गए सी है ना। मैं चाहनी भी उस घटना का तुसी जरूर सानू दसो, क्योंकि माहौल आ जिहड़ा एक बार फिर तो खुशगवार जिहा हो। नहीं वो तो देखो जी वो तरले करदा देखण नूं, वो लुक के बह गया ਇਹ ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਘਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਰੱਬੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਛਿੱਤਰਪਤਾਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਉਹ ਖੇਤ ਉਸਿਆ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਖਾਲਾ ਉਹ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ 'ਚ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘਣਾ। ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਹਾਈ ਖਾਲਾ ਟੱਪਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਦ ਦੇਖ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਖੂਬ ਖੜਕਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੀਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਲੇ ਉੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਮਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਠੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਧਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਉਦੋਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 9ਵੀਂ ਤੱਕ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਨਨਕਾਣੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਆਹੋ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਦਰ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੰਧੂਰੀ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਨਨਕਾਣਾ ਦਾ। ਤੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮਖੌਲ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਓ ਬੀਬਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਕਤ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਢਿੱਡ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚਲੋ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਮਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੁੱਭਦੀ ਆ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਮਰਦ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਸ ਕੁੜੀ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਓ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੈ ਸਭ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦ ਲੜਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਤਾਵੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਐਡਜਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਐਡਜਸਟ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਮਝੇ ਨਾ। तो जे अगर तुम ये समझ लो भी कि लड़की आई है साड़ी जिदा बाकी दियां लड़कियां है उदा ही है तो जोड़ा हसबैंड है वो अकोमोडेटिंग हो जोड़े इलाज ने वो अकोमोडेटिंग हो बड़ा सोहना चल जाता। लेकिन जे तुम मतलब वो डिफरेंस नूं तुसीं वाइड करते जाओगे तो फिर काम ठीक नहीं होंदा। वैसे नॉर्मली ये होंदा है कि डॉटर इन लॉ दा जिहड़ा मेन सपोर्टर होंदा हसबैंड तां खैर होंदा ही है मेन सपोर्टर होंदा फादर इन लॉ होंदा समझे ना। नॉर्मली 99% केस दे विच जिहड़ा नूं प्रॉब्लम आउंदी है वो जां सस तों आउंदी है जां ओहदी ननान तों आउंदी है। अगर वो दोनों ठीक है फिर घर दे विच कोई प्रॉब्लम नहीं होंदी। सो ये अंडरस्टैंडिंग दी गल हैगी है। ते जे बंदा ये अंडरस्टैंड कर लै भी ये डिफरेंट फैमिली चो आई है डिफरेंट सिस्टम च आई है डिफरेंट सोच चो आई है ਐਡਜਸਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਕਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲੈ ਮਾਰਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਕਰਨ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸੈੱਟ ਆ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰੀ ਬਹੁਤ ਕਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਰੇ ਵੇਲੇ ਜੇ ਖਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਣ ਛੁੱਟੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ तू फुलका रोल करके जीभ च पा के उपर ले आया कर। इत्थे तक रहा देखो गल है प्यार मोहब्बत भी इदा हुंदी भी एक करी है बड़ी करी है। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਬੋਲੀ ਜਾਓ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕੱਟੀ ਜਾਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਫਾਦਰ ਲਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੀ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਸਰਚ ਸੀਗਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਠਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਪਿੰਕੀ ਦੀ ਫਾਦਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ मैनू कहते ये की मतलब मैं क्या मतलब तुहानू दसा मैं क्या उन्हें लड़की पाली है उन्हें जो भी पढ़ाया फिर मैं क्या उस बाद उन्हें ब्याह किया ब्याह भी दिता ही दिता आया लिया तो कुछ नहीं लड़की भी आई तो दिता भी कोई तो मैं क्या तो दाता है आई एम थैंकफुल टू हिम मैं क्या तुहानू तो मैं दिता ही दिता है मैं क्या एम ए की कुड़ी तुहानू देती नाल तुहानू इन्हां दहेज देता नाल तुहानू सारा चलिया फिर मैं क्या फिर भी तुहाडी लत्त उत्ते प्लाट चलो जो भी है जो दिता मैं क्या मैनू तो यह नहीं समझ लगती कि मुंडे वाले तूतरिया बजाते काहदे लिए आउंदे आ वो तो मंगते हैं हैं जो लड़की वाला वो तो दाता सिर्फ यही नहीं लड़की दी तुहाडा घर नहीं बसाया सिर्फ तुहानू दिता ही दिता तुहाडे कोल पैसा भी लिया उहने आह सो ये अगर असीं आह गल समझ लईए ना फिर सोशल सिस्टम भी दिता प्लाट सो लैंग एज तुसीं ये समझदे हो कि बई लड़के वाला जिहड़ा वो सुपीरियर हुंदा वो गलत है वो सुपीरियर बंदा जिहड़ा अपर हैंड जिहड़ा वो लड़की वाली दा होना चाहिए हाँ अगर असीं ये समझ लईए तो फिर जिहड़ा सारा हालात बदल सकते हैं साडे ये सोशल सोच नहीं बदली वो समझदे हैं ना असीं मुंडे वाले हैं। बहुत चंगा लग्या तुहाडे नाल गलबात करके ना मैनूं तां इह लगदा हुंदा भी जदों भी किसी जोड़े कोल असीं जाने जिन्हां कोल जिंदगी दा तजर्बा तो वो जिहड़ियां गल्लां बातां कदी खत्म नहीं होणियां चाहीदियां है ना तां बहुत सोहणी गलबात सी ते उम्मीद करदे आं भी बहुत सारे होर लोग भी इहनूं सुण के एक चंगा सफ़र आपदे लई भी उम्मीद करनगे। इह सन सरदारा सिंह जौल ते उहनां दे धर्म पत्नी महेंद्र कौर जी जिद्दां कि मैं शुरू विच दस्सिआ सी कि पौणी सदी दा सफ़र उन्होंने इकट्ठियां कढ़िया एक दूजे दे नाल ते बड़ा सोहना सफ़र रहा पर सब तो जो वधिया चीज़ सीखण वाली सी कि जिंदगी दे विच कौड़े जां मिठे पल आउंदे रहिंदे ने पर तुहाडे दिल दी मिठास आ जिहड़ी उन्हां नूं हमेशा मिठे पलां च तब्दील करके एक दूजे दे नाल अपने सफ़र नूं होर ज़्यादा सोहना बना लैंदी आ। उम्मीद करदे हां कि तुसीं सारे इन्हां दे इस सफ़र तो सीखोगे ते तुहाडी जिंदगी भी आ जिहड़ी हौली हौली इसे निर्वाह नाल तमाम उम्र बहुत सोहनी गुजर जाएगी। मैनूं रुपिंदर संधू नूं इजाज़त दिओ अगली बार मिलांगे फिर तो एक नवे जोड़े नाल तद तक लई सत श्री अकाल।